आशा वर्कर्स ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया है। आपको बता दें कि इंद्री हॉस्पिटल में पहुंचकर एसएमओ के नाम एक ज्ञापन मेडिकल ऑफिसर को सौंपा गया है। आशा वर्कर यूनियन के जिला अध्यक्ष सुदेश रानी ने आरोप लगाए कि स्टेट कोऑर्डिनेटर द्वारा यूनियन की नेताओं के काम की जांच करने के नाम पर उन्हें प्रताड़ित करने का काम किया जा रहा है, उस प्रताड़ना को बंद किया जाए। उन्होंने कहा कि सरकार ने एक निजी कंपनी के सिम कार्ड वर्कर्स को थमा दिए, लेकिन स्मार्ट मोबाइल फोन आज तक नहीं दिए गए, जबकि सभी आशा वर्कर्स इतने महंगे फोन खुद नहीं खरीद सकती हैं। इन समेत कई मांगों को लेकर आशा वर्कर यूनियन हरियाणा के बैनर तले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पार्क में आशा वर्कर्स की एक बैठक हुई। उसके बाद वर्कर्स ने नारेबाजी करते हुए शहर में प्रदर्शन किया और सीएचसी में पहुंचकर एसएमओ के नाम एक ज्ञापन मेडिकल ऑफिसर को सौंपा। वहीं सीएचसी में भी आशा वर्कर्स ने प्रदर्शन करते हुए जोरदार नारेबाजी की। आज ये आशा वर्कर यूनियन हरियाणा ब्लॉक इंद्री की मीटिंग थी और इसकी समस्याएं जो काफ़ी लंबे समय से समस्याएं चली हुई हैं, कोरोना के टाइम में जो इनसे काम लिया गया उसके बदले जो इनको मेहनताना मिलना चाहिए था वो भी लेट मिला, और जो काम ये करती हैं रजिस्टर वगैरह जो इनकी ज़रूरत होती है वो नहीं इनको मिलती है, और ऊपर से सरकार के द्वारा इनके ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा है, काम का अलग अलग प्रकार के काम इनको दिए जाते हैं, लेकिन जब इनकी समस्याओं की बात करते हैं, कोई वेतन भत्ते की बात करते हैं, तो सरकार बिल्कुल पीछे हटती है। 2018 में भी सरकार के साथ इनका समझौता हुआ था, लेकिन सरकार ने आज तक उसको लागू नहीं किया, और इस करके पूरी हरियाणा के जो आशा वर्कर है उनके अंदर रोष है, और ये जितने भी मंत्री हैं उन मंत्रियों का घेराव करने का इनका प्रोग्राम बने हुआ, उसी को लेकर आज मीटिंग थी, आज शहर में भी प्रदर्शन करेंगे। एसएमओ के लेवल की कुछ डिमांड है वो एसएमओ को अपना मांग पत्र देंगी, और दूसरी तरफ सरकर्मचारी संघ हरियाणा का भी स्टेट का फैसला कि 15 तारीख तक सभी विधायकों को ज्ञापन दिए जाएंगे, उसके बाद जितने भी मंत्री हैं उन मंत्रियों के आवासों के ऊपर प्रदर्शन करते हुए अपना मांग पत्र दिया जाएगा, क्योंकि सरकर्मचारी संघ हरियाणा के साथ भी सरकार का समझौता हुआ था वो आज तक लागू नहीं किया गया। हमारा प्रदर्शन आज ये है कि जो हमारा स्टेट का कोऑर्डिनेटर हमारी चेकिंग के लिए आ रहा था, 2 तारीख को भी आना था, आज भी नहीं आ पाए, कल 2 को भी नहीं आ पाए। हम ये कहना चाहते हैं अभी हमारे पास अवेलेबल रजिस्टर नहीं है, जो स्टॉक देखना चाह रहे 2015 में इन्होंने रजिस्टर दिए थे वो भर गए, और सभी के घर में रखे हैं वो, किसी ने चूहे ने कुतर दिया, किसी के पानी बरसात की उसमें चले गए, यानी कि दिक्कत सभी के परिवारों में है, सबकी घर की छत अंजुता है नहीं, सबकी पक्कियाँ, किन्हीं के घर चूहा, किन्हीं के मुस्सों ने कुतर दिए रिकॉर्ड, जो रिकॉर्ड देखना चाह रहे उन्होंने उसके बाद 2015 के बाद कोई ऐसा रजिस्टर नहीं दिया जिसमें हम एंट्री कर सके रजिस्टर में, अपनी एंटीनेटल की, अपना टीकाकरण की, हमने अपने पैसों से लेके 50-50 रुपये के रजिस्टर लगा रखे, जैसी कैसी भी हमारी हमने उसमें रिकॉर्ड रख रखा है। सरकार ने हमें रिकॉर्ड रखने के लिए कोई रजिस्टर नहीं अवेलेबल कराए, कोई हमें पैन की मुहैया नहीं, कोई हमें ड्रग किट नहीं दी सरकार ने। हम सरकार से पूछना चाहते हैं जब वो हमारी इंक्वायरी करते हैं अपनी पूरी फैसिलिटी आशा वर्कर तक तो पहुंचाए, और अब आशा पे ऐप दे दिया, और कहने को तो आशा पे ऐप लागू कर दिया, आशा वर्कर को जियो की सिम भी दे दी, उसमें नेट भी फ्री दे दिया, चलाएंगे क्या हमें आशा वर्कर वो सिम? जबरदस्ती ही जिन आशा वर्करों पे कीपैड वाले फ़ोन थे उन पे जबरदस्ती करी गई भी, तुम अपना फ़ोन लो नहीं तो तुम्हारा काम नहीं जाएगा। सारी आशा वर्करों की घर की ऐसी वानिया गंजाश भी वो ले सके, 4000 सैलरी में तो आशा वर्कर यूँ बताओ 10000 का फ़ोन कैसे लेगी? किसी ने अपने डंगर बेचे, किसी ने कुछ बेचा, किसी ने किस्तों पे उठाए, उन आशा वर्करों ने धक्के थे जबरन ही अपने घर की कंडीशन को देखते हुए भी और कर्जे के बीच में दबका उन्होंने फ़ोन ले लिए। अब आशा पे ऐप में आशा नहीं एक दिन की ट्रेनिंग दे के भी आशा वर्कर एक दिन में ट्रेंड तो नहीं दे रही थी, 10 में 100 में 10 तो आशा वर्कर चला लेंगी, 90% आशा वर्कर हो फोन। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.